कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे केले चश्मे। बालवीर तुम यहाँ? मेहर तूने आधी रात को बालवीर को क्यों बुलाया? मानो मेहर ने मुझे नहीं बुलाया है बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बालवीर बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो तुम हमारे दोस्त हो तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हो ना। वैसे तुम्हारा दोस्त है कहाँ? हाँ वैसे बालवीर तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा समझो कि ये मेरे किसी और लोग का दोस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना ये और हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है बालवीर, जैसा तुम चाहते हो हम वो ही करेंगे। ठीक है तो आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जानते हो कि मैं विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने दोस्त मानो मेहर के साथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस विश्वास पे कि आज के बाद तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, मानो मेहर का साथ दोगे, उनकी हर बात मानोगे और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? अच्छा बच्चा बन के रहूंगा बालवीर, मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छी। मानो मेहर इसका ख्याल रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है। ठीक है बालवीर, अब मैं चलता हूँ। चल मेहर सोने चलते हैं। अपने सोने का प्रोग्राम बना लिया, इसका क्या? हाँ सॉरी मेहर, अब दोस्ती की है तो निभानी भी तो पड़ेगी। चल अब इसके लिए बेड बनाते हैं। अरे हाँ चल चल चल। एक मुझे खोल। ये है तुम्हारा बेड। अरे पर अब इसे कहाँ रखें? हाँ वहां रखते हैं, वहां इसे कोई नहीं देख पाएगा। ये है तुम्हारी जगह। गुड नाइट। आप फिक्र मत कीजिए भयंकर परी, क्योंकि अब वो जीवन आत्मा खुद हमें उस तक पहुंचाएगी। है लगता मुझे है लगा इनको हार का बहुत बड़ा धक्का कि हो गया इनका दिमाग खराब। तौबा तौबा, तुम सच में बेअकल हो। भयंकर परी, जीवन आत्मा कुछ देर के लिए तौबा तौबा के हाथ में आई थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसके कुछ अंश तौबा तौबा के हाथ में जरूर रह गए होंगे। जीवन आत्मा की एक विशेषता होती है कि उसके अंश चाहे कितने भी टुकड़ों में बिखर कर फैल जाए लेकिन वो अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए अब जैसे ही तौबा तौबा के हाथ से मैं जीवन आत्मा के अंश को हवा में छोड़ूंगा, वो अपने आप अपने बाकी की जीवन आत्मा से जुड़ने के लिए उस तक पहुंचेंगे और उनका पीछा करते करते मैं भी उस जीवन आत्मा तक पहुंच जाऊंगी। रगड़ दूं, क्या कमाल की युक्ति निकाली है। तौबा तौबा, अपना हाथ आगे करो।
तुम जहाँ चाहे छुपा लो इस जीवन आत्मा को बालवीर, मगर छल परी इस तक पहुंच ही जाएगी और इस बार बुराई अमर होकर ही रहेगी। मैंने बालवीर से कहा है कि किसी को परेशान नहीं करूंगा, पर मैं बाहर जाकर ये घर तो देख ही सकता हूँ। छल की बुराई की तरकश में अभी और भी कई तीर है। मैं जल्द ही घर के अंदर जाने के लिए कोई नई धुन सोच लूंगी, लेकिन इस बार जीवन आत्मा को हासिल करके ही रहूंगी। बालवीर, हम सब परिया विचित्र गुप्त जी को ढूंढने जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ माँ, और हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाएंगे। अलग अलग क्यों? हाँ बालवीर, अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्तियाँ भी अधिक होंगी। हाँ, ये सवाल शक्ति का नहीं है बल्कि समय का है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और वैसे भी हमें नहीं पता कि छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। परी, मुझे लगता है कि बालवीर बिल्कुल सही कह, अगर हम अलग अलग जाएंगे तो विचित्र गुप्त जी को जल्दी ढूंढ पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। तो ठीक है, मैं भयानक लोग जाऊंगा और आप सब परिया विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए छल लोग जाइए। लेकिन जिसको भी विचित्र गुप्त जी का पता चलेगा वो तुरंत दूसरी परियों को संपर्क करके बता देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बालवीर, आपने जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पर सुरक्षित जगह पर रख दिया है ना? हाँ माँ, अब चिंता मत कीजिए। मैं, तुझे कुछ मिला? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुझे कुछ मिला? नहीं। मेहर, ये देख। हाँ। ये, हाँ, ये ठीक है। हाँ, लगा दे। चल। चल यहाँ। आजा, नीचे। ये ले माना। ये ना। उसे का। ये नहीं गया। चल कोई बात नहीं, अब कोशिश करती हूँ। हमने भयानक लोग का कोना कोना ढूंढ दिया, लेकिन हमें विचित्र गुप्त जी कहीं नहीं मिले। हो सकता है कि वो छल लोक में हो। हाँ पर ऐसा हो सकता है। बालपरी, आप तुरंत बालवीर को यहाँ बुलाइए ताकि हम लोग आगे की रणनीति बना सके। हाँ, अभी बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। माँ, आपको विचित्र गुप्त जी मिले? नहीं, हमें लगा कि आपको मिले होंगे छल लोक में। नहीं माँ, वो छल लोक में भी नहीं है। अगर वो छल लोक में नहीं है, भयानक लोक में नहीं है, तो वो है कहाँ? हो सकता है कि वो यही पृथ्वी लोक पे हो। नहीं विस्तार परी, मैं पृथ्वी लोक पे पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वो यहाँ भी नहीं है। अगर वो छल लोक में भी नहीं है, भयानक लोक में भी नहीं है, पृथ्वी लोक में भी नहीं है, तो जरूर वो पाताल लोक में हो। हाँ बालवीर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पाताल लोक ही बुराई के लिए छुपने की सबसे सुरक्षित जगह है, फिर तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। हाँ परपरी, लेकिन पाताल लोक इतना विशाल है कि हम विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाए तो भी कई दिन लग जाएंगे, और इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमें जल्द से जल्द पता चल जाए छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। पर ये होगा कैसे? हाँ, और वो कौन है जो विचित्र गुप्त जी को हमसे पहले ढूंढ ले? सफेद चूहे। सफेद चूहे? हाँ, पाताल लोक में जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढने का कार्य हमारे लिए हमारे मित्र सफेद चूहे करेंगे। लेकिन सफेद चूहे ही क्यों? क्योंकि उन्हें जमीन में घुसकर कहीं पे भी सुरंग बनाने में महारत हासिल, और वो भी जल्द से जल्द।
कम से कम समय में वो पाताल लोक में घूम सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि विचित्र गुप्त जी कहाँ है। तो फिर देर किस बात की, बाली आप अति शीघ्र ही अपने दोस्त सफेद चूहो को बुलाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.